चलिए अभी देखिए टाइगर फिजिकल एकेडमी जैन कॉलेज आ रहा है। ये बच्चों के लिए हम देख रहे हैं कि बच्चों के यहाँ बहुत भारी संख्या में यहाँ बच्चे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। देखिए इनका ट्रेनर धनु सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस बच्चे बच्चे को कैसे ट्रेनिंग देते हैं? हम पर डे अलग अलग ट्रेनिंग देते हैं, 15, 16, 17 के लिए रनिंग हर रोज अलग होता है। ठीक है, आज ये कराएंगे तो कल फिर आपको दूसरा वर्क करने को मिलेगा। टाइमिंग इसलिए लड़का को टूटता है कि रोज लड़का एक ही वर्क करके चला जाता है, नहीं वैसे आपका टाइमिंग कभी नहीं टूटेगा। आज 1200 को भागे तो कल 1 किलोमीटर का स्टेप भागिए, परसों आप 800 भागिए, ऐसे हर रोज अलग अलग करके भागिएगा तो आपका टाइमिंग बहुत जल्दी रिकवर होगा। ठीक है, यही कारण है कि टाइगर फिजिकल एकेडमी टाइम तोड़ने के नाम से जाना जाता है, जिसमें 5 डाउन लड़का अनगिनत है इसमें, इस एकेडमी में। अच्छा, आप कोई भी आपके एकेडमी में जो 5 डाउन लड़के हैं उनसे हमको मिलवाइए, बात कीजिए, वो है 5 डाउन। अभी देखिए ये टाइगर फिजिकल एकेडमी जॉइन कॉलेज आ रहा, आप बताइए कि इसमें कितने दिन से ट्रेनिंग ले रहे हैं? 6 महीना हो गया। 6 महीना हो गया। आप एक बात बताइए कि आपका पहले टाइमिंग 1600 मीटर का कितना लगता था? 7 मिनट 28 सेकंड। पहले 1600 मीटर का 7 मिनट 28 सेकंड लगता था, अब आपका टाइमिंग कितना लग रहा है? 4:50 में। चलिए इनके लिए जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए कि जो अभी 4:50 में ये मार के टाइगर फिजिकल एकेडमी जैन कॉलेज के नाम रोशन है। गर्दनी बाग में भी आप ट्रायल देते हैं? यस। कितना लगा था आपका टाइमिंग? 4:50 में आप टाइमिंग दिए थे। चलिए आपका बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, हम आप जानते हैं। अभी देखिए आपका ट्रेनर यहाँ पर दो, हम सुन रहे हैं कि यहाँ पर दो दो ट्रेनर है, दो दो ट्रेनर है। अभी देखिए, अब देखिए ये बताइए कि आप धनु सर को अपने गुरु के समान मानते हैं, तो आप बताइए कि इन सब जब आप फर्स्ट दिन अकेडमी में कैसे ज्वाइन किए थे? हम यूट्यूब पर सर्च मार के देखे थे। अच्छा, यूट्यूब पे मारे थे और चैनल के माध्यम से आए थे? जी जी। तो आप मान लीजिए कि जो गांव देहात में बच्चे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उस बच्चे बच्चे को आप कैसे संदेश देना चाहते हैं कि जो अकेडमी ज्वाइन नहीं किए हैं? अपने यूट्यूब के माध्यम से। अच्छा, आपका चैनल जो टाइगर फिजिकल एकेडमी है उसको यूट्यूब पे सर्च मार के उसके। अच्छा, एक बात बताइए कि जो अकेले दौड़ता है, जो ग्रुप में दौड़ता है, उसको दौड़ने से क्या बेनिफिट होता है? मान लीजिए कोई गांव देहात में बच्चे ग्रुपिंग में दौड़ता है, कोई अकेले दौड़ता है, तो आप बताइए कैसा उसको कैसा मूव करिएगा? ग्रुपिंग में दौड़ने से ही होता है कि इनकी मैंने स्टेप खुलता है और उसमें साहस मिलता है, और अच्छा, अकेले दौड़ने से के साथ नहीं मिलता है, जो जब मंथन में रुकते हैं जब मंथन छोड़ते हैं। अच्छा ठीक, अभी आप बताइए धनु सर कि आप में तो दौड़ क्या 4:50, 4:55 के बच्चे हैं, बताएं क्या आपके इसमें भोजपुर में जो बच्चा बच्ची है हाई जंप का भी कोई स्टार है क्या, जो 3-8, 4 फीट करती है, उनसे हमको मिलवा दीजिए? 12, 13, 14, 15। चलिए अब अभी बताइए कि आपका नाम क्या पढ़ते हैं? आप कहाँ से आते हैं? झाऊआ बेलवनिया, भाजपुर जिला से। ये बेचार ये लड़की 20 किलोमीटर से डेली आप वहाँ से डेली आप डाउन करते हैं। आप इस एकेडमी में कैसे आए? यूट्यूब के माध्यम से आए। अब बताइए कि जो गांव देहात में बच्चे बतिया तैयारी करे, अच्छा आपका इस एकेडमी में कितना फी लगता है? आपका इस एकेडमी में फी कितना चार्ज लगता है? बच्चियों के लिए कितना शुल्क लगता है? निःशुल्क से निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं, निःशुल्क। अभी देखिए धनु सर से मिलिए, जो बच्चियों के लिए फीस नहीं लगता है, निःशुल्क ट्रेनिंग है, निःशुल्क में ट्रेनिंग देते हैं। कोई भी बच्ची बच्ची, अरे एक बात बताइए कि जिनके मम्मी पापा नहीं है उनको आप ट्रेनिंग कैसे देंगे, पैसा लेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। देखिए ये बच्चे कितने गांव देहात में बच्चे बच्चिया लोग, माँ पापा लोग अपने बच्ची को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर जानते हैं कि वहाँ पर सक्सेस होगी कि नहीं होगी। लेकिन देखिए ये एकलौता हमें अभी तक मिले हैं जो कि बच्चियों के निःशुल्क में ट्रेनिंग देते हैं। बिहार का नंबर 1 ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है, जो कि देखिए भारी संख्या में यहाँ बच्चों की ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए यहाँ पर लड़की भी कम्पटेटर कर रही है, लड़की जो यहाँ पर देखिए बच्चियों के लिए सिखा रही है। देखिए अभी मिलते हैं हम इस लड़की से। आपका क्या नाम है? अनु मिश्रा। आप कहाँ से आते हैं? न्यू पुलिस लाइन से। आप बताइए कि इतना बच्चियों के कम्पटेबल करते हैं आप, इतना से आप पहले 1 नंबर पर कैसे आए? आखिर क्या मेहनत किए, कैसे किए? हम धीरे-धीरे। अच्छा ठीक है, आपकी क्या इसमें जितने भी छात्राएं हैं आपकी बात मानती है, आपकी सहमत है? अच्छा, आप बताइए कि जो गांव देहात में बच्चे बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आप कैसा संदेश देना चाह रहे हैं? अच्छा, आपका फी कितना लगता है इसमें? निःशुल्क फी में तैयारी करा जाते हैं, ठीक है। अभी देखिए हम जैन कॉलेज, एसडी जैन कॉलेज यहाँ, जो कि नीरज फौजी हाई जंपर, अभी हाई जंपर हैं। बच्चों को 3 या 4 तरीके से हाई जंप सिखाते हैं। आप सिखाते हैं 3-4 तरीके से? हाँ।
आ देखिए कैंची जंप, सीजर जंप और ये डॉल्फिन जंप सिखाते हैं, जो कि लंबे कद के अभी 6 फीट लमसम के हैं। और बच्चे बच्चियों को पनिशमेंट देते हैं जो लेट आता है, जो वर्क नहीं करता है। यहाँ पर पैसा मतलब नहीं होता है ना, कि यहाँ पैसा के बदले खून चुहाया जाता है, पसीना। किसी ने कहा है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। ये टाइगर फिजिकल एकेडमी के धुनाधर होनहार ट्रेनर है, जो कि अभी जैन कॉलेज में ट्रेनिंग धनु सर के साथ देते हैं। जय हिंद।